हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑनरशिप रिव्यू अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम। तो आज जो गाड़ी दिखा रहा हूँ जी, ये है महिंद्रा की बिग डैडी, मोस्ट अवेटेड कार है ये, मोस्ट लव्ड कार है। कुछ इसकी प्रेज में जितना बोलो उतना ही कम है। लोग इस पे इतना ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं रेडीली अवेलेबल करवाने के लिए, ऊपर से इतना प्रीमियम दे रहे हैं कि किसी तरह उनको मिल जाए। बहुत ही गाड़ी की हाइप है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो आज इसका मैं ऑनरशिप रिव्यू ले रहा हूँ, तो इससे इसके प्राउड ओनर से आपको मिलवाता हूँ, मिस्टर कुंवर नागपाल, जो कि खुद भी यूट्यूबर हैं। इनका खुद का चैनल है द कार शो के नाम से, बहुत ही अच्छा इनका बड़ा चैनल है एज कम्पेयर टू माइन राइट नाउ, बाकी तो बाद में पता लगेगा। तो आज इनसे आप ऑनरशिप रिव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल फेयर ऑनरशिप रिव्यू लेंगे इनसे, कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे, सब प्रोज एंड कॉन्स ये इनसे पूछेंगे। तो हेलो कुंवर, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही करूंगा आपसे कि यही गाड़ी क्यों? देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे सच्ची मेरे को कोई और कार लगी नहीं। मैंने इनफैक्ट क्रेटा इससे पहले बुक कराई हुई थी, और इसके मतलब लॉन्च होती, फिर मेरे को लगा कि यार यही लेनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और लग रही है। तो आपको लग रहा है कितनी चल गई है ये गाड़ी? ये अभी 5500 चल चुकी है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बस एक थोड़ी माइलेज कम है कार की, बाकी सब तो बढ़िया रहा है। तो ये वेरिएंट जो है Z6 है ना? हाँ जी, Z6 वेरिएंट। तो इसमें फिर वैल्यू फॉर मनी है, फीचर्स वगैरह सारे हैं इसमें? हाँ जी, लगभग सारी फीचर्स हैं जो चाहिए होते हैं डे टू डे यूज में। तो देख ले इसमें एक बार फीचर्स कौन कौन से हैं, आइए आपको दिखाते हैं इंटीरियर इसका। तो इंटीरियर देखिए इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल टॉप वेरिएंट की फील आ रही है। सनरूफ भी है इसमें? हाँ जी, क्वाइट, ये तो फिर वैल्यू फॉर मनी हो गया प्रोडक्ट मतलब। हाँ जी, हाँ जी। इसके नीचे दो वेरिएंट आते हैं, ऊपर भी दो वेरिएंट आते हैं, मिडल वेरिएंट है बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो Z8 आता है और Z8L आता है ना, नीचे Z2 Z4। तो ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट है ना? जी हाँ जी बिल्कुल, तो ये लिया जी, वैल्यू फॉर मनी सबसे यही लग रहा था। तो ये अभी बेसिकली कितनी चल गई है? ये 5500 चल गई है 3 मंथ्स में। तो इतने में तो ऑनर को पता लग जाता है कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसमें जो प्लस पॉइंट है पहले वो डिस्कस करो हमारे साथ, फिर आप करेंगे जो नेगेटिव है इसके। देखो, पॉजिटिव में ना सबसे पहले तो रोड प्रेजेंस इस कार की काफी अच्छी लगती है मेरे को, मतलब एक थोड़ा बल्कि बल्कि फील होता है, तो रोड पे चलते हैं ना एक अलग ही फील आती है। सेकेंडली, स्टीयरिंग फीडबैक इस कार का मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी ला रहे हैं, Z6 वेरियंट से वैसे आना शुरू होता है, डीजल में Z4 तक हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, तो स्टीयरिंग मेरे को इस कार का बहुत अच्छा लगा। मेन ये इंजन पावर रिफाइनमेंट वगैरह वो सब काफी अच्छी रही। तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई थी? ये ऑन रोड मेरे को चंडीगढ़ नंबर के साथ 17 लाख रुपीज की पड़ गई है। 17 की ऑन रोड पड़ गई आपको, इंक्लूडिंग RC और इंक्लूडिंग इंश्योरेंस वगैरह करवा के। तो आपने ये नंबर कितने का लिया? नंबर जी मैंने ये 5000 का लिया है, बट मेरे को बेसिकली लेना दूसरा था, बट फिर ये मिल गया तो फिर ये ले लिया। अच्छा, ये भी अच्छा नंबर है वैसे, क्वाइट अच्छा नंबर है। और अगर अब इसके नेगेटिव्स बताओ, आपको नेगेटिव्स क्या है इसमें? देखो, नेगेटिव्स में मेरे को इस कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो इतने पसंद नहीं आए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार लैग मेरे को फेस करना पड़ा, लाइक म्यूजिक सिस्टम कई बार फ्लिकर करने लग जाता है, बंद हो जाता है, तो वो कुछ कुछ नेगेटिव्स मेरे को लगते हैं इस कार में। दूसरा नेगेटिव मैं कहूँगा कि जस्ट साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो कई बार पार्किंग स्पेस में थोड़ा इशू आ जाता है। तीसरा मेरे को बेसिकली लगा, कार के रिलेटेड नहीं है बट सर्विस भी अगर हम इंक्लूड करते हैं बीच में, तो तीसरा मेरे को वहाँ पे लगा कि सर्विस सेंटर पे 1000 की बेसिक सर्विस कराने के लिए मेरे को 3 दिन की वेटिंग मिली। मतलब मैं गया, 1100 किलोमीटर से चली गई थी कार सर्विस सेंटर पे, कि मेरे को गाड़ी फर्स्ट सर्विस करानी है, उसमें कुछ भी बेसिक होता है, वॉश करते हैं और मतलब चेक वगैरह करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। तो इसमें और इसमें एक थोड़ा मेरे को लगा सर्विस सेंटर वाला। 3 पॉइंट्स आपने पॉजिटिव बता दिया और 3 बता दिया आपने नेगेटिव, है ना? तो ये आपको ऑन रोड पड़ी है 17 की, लेकिन राइड नाउ तो इसका जो प्राइस है आई थिंक 18 एंड हाफ की पड़ रही है ये तो ऑन रोड। ये अभी फिलहाल अगर सेम यही वेरिएंट चंडीगढ़ नंबर के साथ लेने जाओगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली अभी आपको 19 लाख रुपीज के आसपास की पड़ रही है, 19.5। तो आपको क्यों 17 की पड़ी? ये मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस पे बुक करी थी कार, तब प्राइस अच्छा। इसका 15 लाख रुपीज एक्स शोरूम, उसके बाद जो लगता है वो लगता है अलग। अभी इसका एक्स शोरूम चल रहा है 16.05 लाख रुपीज, तो 1 लाख
5000 का यहाँ पे फर्क, मतलब 1 लाख तो आपने उधर ही इसका सेव कर लिया राइट नाउ। वैसे तो कोई बेचता नहीं है गाड़ी इतनी जल्दी अपनी, अगर बेचने भी लगे बंदा तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, मतलब कह सकते हैं डिमांड इतने लोग दे ही रहे 1 लाख फालतू में देखे हैं काफी लोग। सेकेंडली ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, इसकी आरसी के चार्जेस मैंने अभी पे किए हैं 67,000 रुपीज, क्योंकि ये लगी है मेरी 6% पे। अच्छा अच्छा, 10 जुलाई से पहले मैंने कार परचेज की थी तो इस पे 6% लगी है। अगर 10 जुलाई के बाद मैं डिलीवरी लेता इसकी, जो महिंद्रा की ऑफिशियल टेंटेटिव डेट आ रही थी ना मेरे को वैसे डिलीवरी की, वो 13 जुलाई आ रही थी कि 13 जुलाई को आपको डिलीवरी देंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने मार्च दिखाई थी, फिर अप्रैल अपडेट करते, लास्ट पे 13 जुलाई आ गई थी। तो अगर ये मेरे को 13 जुलाई को मिलती, अभी जो मैंने इसके 67,000 पे किए हैं सिर्फ मतलब रजिस्ट्रेशन के, वो मेरे को पे करने पड़ते 1,34,000, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ना 6 से 12% हो गया, डबल ही हो गया। हाँ, इसका हो प्राइस गया। नंबर के अलग से लगे थे 5,000 वो लगता। ठीक ठीक, तो आपने 17 जैसे बोला कि 17 की पड़ी है आपको। हाँ जी, तो इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आती थी तो पर्टिकुलरली यही क्यों चूज करी आपने? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैंने क्रेटा इससे पहले बुक कराई हुई थी इसके मतलब रिवील होने से पहले। ठीक है, तो क्रेटा भी मतलब ऑन रोड मेरे को 15 तक पड़ रही थी, जो मतलब मैंने वेरिएंट चूज करा था, और मेरा बजट भी ऑन रोड 15 के आसपास था। फिर जब ये आई तो लगा यार इतने बड़े साइज की कार है, इतना बड़ा इंजन है, तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को ये लगी ओवरऑल, तो मैंने थोड़ा अपना बजट इंक्रीज करा और फिर मैंने सोचा कि इसके लिए वेट करते हैं। बाकी वेरिएंट सब जो बाकी सेगमेंट की गाड़ियां वो इससे छोटी लगती हैं और ये क्वाइट बल्की और इसका वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग कार चल रही है ये तो राइट नाउ। तो मेरे को एक और बात बताओ कि आपने इसमें एक्सेसरीज कोई आफ्टर मार्केट लगवाई है इसमें? हाँ जी, इसमें मैंने अराउंड 35,000 रुपीस की टोटल एक्सेसरीज वगैरह लगवाई है, जिसके अंदर ये एलईडी लाइट्स आ जाती हैं। अच्छा, लाइट्स चेंज करवाई हैं? ये मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ये लाइट्स चेंज करवा ली है इसमें, ये फॉग लैंप्स तो आते ही नहीं है इस वेरियंट में वैसे। सेकंड मैंने ये फॉग लाइट्स भी इसमें लगवाई है, इसमें आती नहीं है फॉग लाइट्स और डीआरएल्स। अच्छा, तो ये मैंने लगवाई है, तो ये टोटल मेरे हिसाब से 12,000 के पेयर डला था और 14 की लाइट्स डली थी, बाकी बेसिक था, मैट्स डले और पीछे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा। 35,000 आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाई है, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो कराई है मैंने। ये खाली ढक्कन से गंदा लग रहा था, फॉग लाइट तो बेसिक लुक्स के लिए है। अच्छा, लाइट्स अच्छा। अपग्रेड वैसे जरूरी थी, हेलोजन कौन ही चलाता है आज के टाइम पर, अच्छी आजकल तो सारी एलईडी चला रहे हैं, व्हाइट लाइट। और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता इस वेरिएंट में, तो एक वो चीज की कमी लगी, मैट्स भी बेसिक बस। तो इसको आप हिल्स में लेके जा चुके और ट्रैवल करा? हाँ जी, इसको मैं लेके जा चुका हूँ हिल्स पे, एंड परफॉर्मेंस की अगर हिल्स पे बात करें ना, तो परफॉर्मेंस में काफी अच्छी लगी, मतलब काफी ज्यादा चलाई है, बारिश के टाइम पे भी चलाई है, हिल्स पे भी, तो कोई इसकी तो इसका परफॉर्मेंस जैसे लगी। आपने इसकी टॉप स्पीड क्या चला के देखी? टॉप देखो वैसे तो रिकमेंड नहीं करता किसी को, बट ये अराउंड 165 के आसपास तक मैंने चला के देखी हुई है। अभी जब मैं नैनीताल ट्रिप पे गया था तो खाली रोड थी, तो वहाँ पे एक बैरियर। तो इसका स्टीयरिंग व्हील वगैरह स्टेबिलिटी कैसे है इसकी? थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है हाई स्पीड पे, लेकिन अगर वही 140-150 तक देखो ना, तो वहाँ तक स्टेबल लगती है कार। तो अब आपको इसकी फील कैसे आ रही है? मतलब प्रॉपर एसयूवी है ये? मतलब वही अब देखो कहना तो चाहिए, बट वही इस प्राइस पॉइंट वाली कार को अगर हम फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कंपैरिजन ही अकेला नहीं कर रहा, फॉर्च्यूनर से था, सब यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके थोड़ी है लेवल की। तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है इसका? ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हूं कार लेके, मतलब किसी तरह की कमी अभी तक नहीं लग रही है। थोड़ी बहुत दिखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग बस, वो तो चलो माइनर इश्यूज हो जाते हैं कभी कभार, और सर्विस सेंटर का मैंने आपको बताया वो मेरे को लगता है बाकी। तो कुंवर, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं एक हैचबैक चला रहा था, बलेनो। अच्छा, वो मैंने अराउंड 1,30,000 किलोमीटर चलाई है, डीजल की थी वो भी, और उसकी वही लोकल भी माइलेज ना उसकी 23-24 ऐसे आराम से आ जाती थी। ये लेने के बाद सीधा मतलब फ्यूल का एक्सपेंस जो है डबल से ऊपर ही हो गया मेरा, इसकी आ रही है 11-12 लोकल। हैचबैक से सीधा बिग एसयूवी पे आ गया ये ना? फिर चेंज, ये अच्छा रहा, चलो अच्छी बात है। तो गाइज ये थे कुंवर नागपाल, जिन्होंने अपना ऑनरशिप रिव्यू दिया हमारे साथ। आपने देखा ही है कि बिल्कुल पॉजिटिव भी उन्होंने बताए हैं इसके पॉइंट्स और नेगेटिव भी बताए हैं। आपको ऑनरशिप कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच।